आपकी वीडियोस फॉर यू पर जा रही हैं, 60 से 80% तक फॉर यू पर जा रही हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ 100-200 से ज़्यादा नहीं आते। गाइज, इस मसले का हल लेकर आप लोगों के पास आ चुका हूँ, तो आप लोगों ने बस घबराना नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस बात का सलूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर 3 ऐसी गलतियाँ बताऊंगा जो आप लोग अगर अपने अकाउंट के साथ करते हो तो आप कभी भी फॉर यू पर नहीं जा सकते, या फिर कभी भी आपकी वीडियोज़ वायरल नहीं हो सकती। आप चाहे कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं यार, जो के 200, 300, 500, 2000 तक वीडियोज़ भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उनकी वीडियोज़ फॉर यू पर नहीं जा रही। तो गाइस, क्या मकसद है अपनी वीडियोस को अपलोड करने का? 2000 या फिर इतनी वीडियोस अपलोड करने का कोई मकसद है अगर आपकी वीडियोस फॉर यू पर ही नहीं जाएंगी, अगर आपकी वीडियोस वायरल ही नहीं होंगी? आप लोग ऐसा करते हो कि आप लोग चाहते हो कि बस हमारे पास जितनी ज़्यादा वीडियोस होंगी तो लोग आपकी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो आपके पास लाइक्स बढ़ जाएंगे, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे। गाइस, इस अपनी सोच को बदलो। सबसे पहले, आप लोगों ने किसी को कहकर अपने फॉलोअर्स या फिर लाइक्स बिल्कुल नहीं बढ़ाए। मेरे कहने का यही मकसद है कि आप लोगों ने लाइक्स के बदले लाइक्स नहीं लेने हैं, फॉलोअर्स के बदले फॉलोअर्स नहीं लेने हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लो, इससे आपका अकाउंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब कोई बार बार आपके अकाउंट के ऊपर जाकर आपकी वीडियोज़ को देखता भी नहीं है और स्वाइप करता जाता है, लाइक करता जाता है, स्वाइप करता जाता है, तो आपका अकाउंट जो है वो ग्रो होने से रुक जाता है। मसलन फिर टिकटॉक समझ जाता है कि इसके ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से वो अब आपकी वीडियोस वायरल नहीं करेगा। आप लोग ये मेरा अकाउंट भी अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यार इस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखो तो 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं, 2.9 मिलियन व्यूज़ हैं, ये 70,000 व्यूज़ हैं, 5.5 लाख व्यूज़ हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मेरी वीडियोस पर आ रही हैं, और इस पे मैंने किसी किस्म की कोई भी ट्रिक नहीं अप्लाई की है। ये मेरे रियल व्यूज़ हैं, रियल वीडियोस फॉर यू पर जा रही हैं। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आप लोगों को ले चलूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यार मेरी वीडियोज़ पर जस्ट 200, 100, 200, 300 व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर मेरी वीडियोज़ जो है वो फॉर यू पर जा रही थी लेकिन वायरल नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बाद में छेड़ना है। लेकिन पहले आप लोगों को 3 ऐसी गलतियां जो आप लोगों ने आज के बाद नहीं करनी। नंबर 1, तो आप लोगों ने ये जो गलती नहीं करनी कि फॉलो के बदले फॉलो नहीं लेना। अगर लेते रहे हो तो इसी वक्त अपना अकाउंट बंद कर दो, बंद कर दो अपना अकाउंट और एक न्यू क्रिएट कर लो अकाउंट। आपकी वीडियोज़, मैं आप लोगों के साथ ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप लोग मेरी बताई हुई बातों पर चलते हो तो आपका अकाउंट एक हफ्ते के अंदर फॉर यू पर भी चलेगा और वीडियोस भी वायरल होंगी इंशाल्लाह। बस आप लोगों को इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा स्टार्टिंग पे ही। तो अगर आप लोग ऐसी गलतियाँ कर चुकी हो तो फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा किए हैं ना, अगर आपके पास 5-10 हज़ार अपने फॉलोअर्स भी अपने इकट्ठे कर लिए हैं लेकिन अभी तक आपकी वीडियोज़ फॉर यू पर नहीं जा रही, तो आज से ही अपना अकाउंट बंद कर दो, अभी के लिए बंद कर दो कुछ देर के लिए, और मज़ीद अपनी वीडियोज़ अपने अकाउंट से दूसरे लोगों की वीडियोज़ अपलोड करना बंद करो। नंबर 2 पर आपकी ये गलती होती है, आप लोग कहीं से भी वीडियोस उठा लेते हो और अपलोड कर देते हो, फिर चाहे वो विदाउट वाटरमार्क्स हो या फिर वाटरमार्क्स के साथ हो, आप लोग वेबसाइट पे जाते हो डाउनलोड कर लेते हो विदाउट वाटरमार्क्स तो वीडियोस को अपलोड कर लेते हो, तो ये भी बहुत शायद मे बी कि आपकी वक्ती तौर पर वीडियोज़ जो है वायरल हो जाए, तो लेकिन बाद में जब टिकटॉक चेक करता है इस वीडियो को, अगर वो आपका कॉपीराइट होगा तो आपकी वीडियोस को छोड़ो आपका अकाउंट जो है वो शैडो बैन तक हो सकता है। नंबर 3, आप लोग दिन के अंदर 20-20 वीडियोस भी अपलोड कर देते हो। अभी यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स ऐसे भी देखे हैं कि मेरे दोस्तों के भी हैं, उनके अंदर शामिल हैं वो भी, कि वो वीडियोस अपलोड करते हैं, यानी कि उनकी वीडियोज़ फॉर यू पर आ रही हैं, लेकिन वो इसी खुशी में कि उनकी वीडियोज़ फॉर यू पर जा रही हैं वो 20-20 वीडियोस एक साथ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। यार ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, आप लोगों ने ये काम हरगिज़ नहीं करना। आप लोग अपनी वीडियोस को फॉर यू पर भेजना चाहते हो, आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, तो ये ट्रिक्स पहले सबसे अप्लाई करो, इन गलतियों को सुधारो, उसके बाद आप लोगों को मज़ीद
जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने होम पेज पर मिलता रहेगा। अभी बात आती है कि आप लोग अपने अगर आपकी वीडियोस फॉर यू पर जा रही हैं तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर मैं नीचे ले चलूँ तो ये आप लोग देख सकते हो मेरी वीडियोज़ पर जो है वो ये मेरी वीडियोस फॉर यू पर जा रही थी लेकिन इस पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे, 300 से 400 व्यूज़ थे और जस्ट लाइक तो 50 भी नहीं आते थे 300 से 400 व्यूज़ के बाद भी। लेकिन वीडियोस जो है वो फॉर यू पर जाती थी, कमेंट्स भी आते थे मुझे कि आपकी वीडियोस फॉर यू पर है। ये आप लोगों को यहाँ पर शो करने की कोशिश करूँगा मैं, तो अगर ये नेटवर्क का इशू ना हो। हाय गाइस, इस वक्त मे बी के नेटवर्क का कुछ इशू है तो इस वजह से ये डाटा शो नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने अगर आपकी वीडियोस भी ऐसे ही जो है वो फॉर यू पर नहीं जा रही हैं तो ये आप लोग देख सकते हो मेरी, ये असल में पर्सनल प्रोफाइल इसलिए है जब बाद में मेरी वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं उसके बाद लोगों ने मेरे अकाउंट के ऊपर आकर वीडियोज़ देखी हैं तो वो पर्सनल प्रोफाइल हो जाती है, उसके पहले फॉर यू और फॉलोइंग ही थी। तो यार अभी आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग कैसे अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आप लोगों को 3 से 4 स्टेप करने होंगे तो आपके वीडियोस 100% वायरल होने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप लोग यहीं से देखें, ऊपर नहीं मैं ज़्यादा जाऊँगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेंड्स फॉलो किए हैं। एक तो ट्रेंड चला हुआ था उन दिनों में कि मुर्शिद वाला, वो ये मेरी फ़ोटो 2 दिन पहले की है ATC वगैरह वगैरह, और एक ये जो ट्रेंड था तो ये वाली एक मैंने वीडियो अपलोड की थी। इसके बाद ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे ही वीडियो बनाई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक ट्रेंड था कि जब हिंदू में मुसलमान हिंदू पंडितों ने जो है वो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया तो मैंने एक वीडियो अपलोड की तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गई, 5000 तक व्यूज़ आए हैं इसके ऊपर। इसके बाद मैंने एक और ये भी ट्रेंडिंग वीडियो थी उन दिनों में, ये भी मैंने अपलोड की। इसके बाद ये मेरी एक वीडियो थी, इसको मैंने अपलोड किया और इस पर आप लोग देख सकते हो 5000 तक व्यूज़ आए हैं। इसके बाद ये भी ट्रेंड मैंने फॉलो किया, ये वाले जितने भी हैं सारे ट्रेंड मैंने फॉलो किए हैं, ठीक है। फिर एक मैंने ये वाली वीडियो अपलोड कर दी क्योंकि उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, मेरी यूट्यूब पर भी वीडियोज़ वायरल हुई हैं इस टॉपिक पर। तो ये आप लोग देख सकते हो 3 मिलियन ऑलमोस्ट इस पर व्यूज़ हो चुके हैं, तो इसको भी मैंने अपलोड कर दिया क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक था। इसके बाद आप लोग देख सकते हो व्यूज़ काफ़ी अच्छे हो गए। उसी के रिलेटेड मैंने एक और वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी, ये आप लोग देख सकते हो 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं। ये दोनों वीडियोज़ जो हैं ये भी उसी के रिलेटेड हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पकड़ो, मेन मतलब यही है आप लोगों को बताने का कि आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाओ तो वीडियोज़ वायरल हो सकती हैं। अब रही बात कि आपकी वीडियोज़ जो है वो फॉर यू पर जा रही हैं लेकिन उन पर व्यूज़ या लाइक्स नहीं आ रहे, तो वो क्यों नहीं आते। तब अगर आप लोग यहाँ पर ये मेरी एक वीडियो देखो यार, एक दफ़ा आप लोग इस वीडियो को देखो, बहुत ही इस पर साउंड लगा हुआ, मैं वो मैंने बंद कर दिया आवाज़ ताकि कॉपीराइट का कोई भी इशू हो ना आए। तो अगर आप लोग देखो तो ऐसी वीडियोज़ अगर आप लोग बड़े क्रिएटर्स के देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनी है लेकिन इस पर व्यूज़ लाइक ज़्यादा नहीं आए। लेकिन अलबत्ता ये वीडियो फॉर यू पर गई है, तकरीबन काफ़ी हद तक फॉर यू पर गई है लेकिन ये वायरल नहीं हुई है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल से ये व्यू आए जब मेरी दूसरी वीडियोज़ वायरल नहीं है। अभी ये वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई, इतनी अच्छा इसके अंदर कंटेंट है, यानी कि इतनी प्यारी ये वीडियो शूट हुई है लेकिन फिर भी ये वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई। अगर आप लोग यहाँ पर यार इसका वॉच टाइम देखो तो यार काफ़ी ज़्यादा इसका वॉच टाइम जो है वो कम है, 14 सेकंड 15 सेकंड की ये वीडियो है और सिर्फ 5.3 सेकंड तक लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तो इसके अलावा अगर मैं इसको छोड़ कर भी एक वीडियो जो है 2.9 मिलियन वाली यहाँ पर एक वीडियो है मेरी, तो उसको अभी हम लोग उसका वॉच टाइम चेक करते हैं। तो यहाँ गाइस ये रही वो वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका एनालिटिक्स चेक करो, देख सकते हो इस पर 3,91,000 व्यूज़ लाइक्स आए हैं और 2.9 मिलियन इस पर व्यूज़ आए हैं। तो अगर इसका हम लोग एनालिटिक्स चेक करते हैं तो इसका अगर आप लोग वॉच टाइम चेक करोगे 87 सेकेंड इसका वॉच टाइम आया है, जो कि 51 सेकेंड की ये वीडियो थी और 27 सेकेंड इसका वॉच टाइम आया। यानी कि अगर आपका वॉच टाइम अच्छा होगा तो आपकी वीडियो 120% वायरल होने वाली है अगर आपकी वीडियोस फॉर यू पर जाती है। तो ये आप लोग इसके अलावा यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ये 99% फॉर यू पेज पर गई है और वीडियो ये 2.9 मिलियन तक गई है और इस पे ऑलमोस्ट जो है वो 4,500 जो है वो कमेंट्स आए हैं और 22K इस पर जो है वो शेयर भी मिले हैं। तो गाइज इस तरह ये वीडियोज़ वायरल होती हैं, तो बेसिकली आप लोगों को व्यूज़ के साथ खेलने की ज़रूरत होती है,
ना कि आप लोग अपनी वीडियो के अच्छा कंटेंट आप जितना भी डालोगे आप टिकटॉक आपको प्रमोट नहीं करेगा, टिकटॉक करेगा लेकिन जो हजरात आगे बैठे होंगे ना आप जैसे मेरे जैसे, वो आपकी वीडियो को ही नहीं देखेंगे, क्योंकि जब तक आप एक फेम हासिल नहीं कर लेते आप एक फेमस इंसान नहीं बन सकते। अगर मसलन की ज़ुल्करनैन की वीडियो या फिर किसी भी बड़े यूज़र की वीडियो आएगी, अगर वो बंदा उसकी शक्ल देख कर ही बोलेगा कि यार सोचेगा एक दफ़ा इसकी वीडियो देखो तो उसी के क्या इसने किया, वो इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उसकी वीडियो जो है वो उस पर वास्ते में अच्छा हासा आ जाता है तो वीडियो वायरल हो जाती है। तो यही वजह कि छोटे यूज़र्स की वीडियोज़ जो है वो वायरल नहीं हो पाती, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो।